हेलो नमस्कार, हाय गाइस। देखिए, हमने थर्माकोल बनाया है, उसमें नाम काट कर हमने चिपका रहा है। देखिए, धीरे धीरे से हम उसमें गोंद लगा देते हैं। गोंद लगाने के बाद फिर भी कोल गोंद है, उसमें हम नाम के पीछे साइड में थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं, फिर उसे इस तरह से चिपकाते हैं। देखिए, आराम से साइज देख कर इस तरह से चिपकाते हैं। देखिए, सिंगल वाला थर्माकोल है, जिसमें सिंगल को हमने बनाए हैं और उसमें अभी नाम को चिपका रहे हैं। देखिए, इस तरह से धीरे धीरे करके एक एक को पारी पारी करके बिठा कर चिपका देते हैं। तो गाइस लोग, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर ले प्लीज़ प्लीज़, और लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, देखिए एक तो कंप्लीट हो गया, इस तरह से चिपकाते हैं हम लोग। देखो, कंप्लीट ऐसा दिख रहा है थर्माकोल। एक सिंपल थर्माकोल बनाया है, कम रेंज का। जो देखिए ये है, हाँ ये बोले तो हमारा 1 2 3, एक नीचे मार दिया है, 4 4 थर्माकोल से बना हुआ है। देखिए, इसमें भी गोंद डालेंगे और उसको चिपकाएंगे। फिर धीरे धीरे से गोंद डालते हैं, जैसे टूट ना जाए, सबको देखते हुए काम करना पड़ता है। और फिर ऐसे धीरे धीरे चिपका देते हैं। देखिए, नाम के पीछे में गोंद लगाओ, उसके बाद उसे फिर चिपका देना है। मैंने ये थर्माकोल से नाम कटिंग किया, उस नाम मतलब कि लिख कर उसमें थर्माकोल डाल, मतलब क्या बोलना चाहिए, अभ्रक डालकर उसको चिपकाया, फिर उसको साइड साइड से काट दिया। उस तरह से कटिंग किया मैंने, फिर वही नाम को हम लोग थर्माकोल में चिपका रहे हैं। देखिएगा, धीरे धीरे मेरा काम पूरा होने वाला है, थर्माकोल किस टाइप से दिखेगा। लेकिन नॉर्मल थर्माकोल बनाया है। वीडियो पूरा पूरा तक देखिए, समझ आएगा बहुत बेहतरीन से किस तरह से लगाते हैं। ये गोंद मैं थर्माकोल के साइड साइड में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें हम जड़ी डालने वाले हैं, जिससे कि थर्माकोल का थोड़ा सा और लुक बढ़ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब इसके ऊपर में हम लोग जड़ी लगाएंगे। ये है, देखिए जड़ी बोलते हैं, अब दूसरे प्रांत में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन हम लोग इधर जड़ी बोलते हैं। ऊपर में लग गया है, अब नीचे साइड में लगाएंगे। देखिए, दूसरा डिज़ाइन का जड़ी है, उसको हम नीचे साइड डाल रहे हैं। धीरे धीरे उसमें गोंद डाल के उसके ऊपर में चिपका देते हैं उसको, और सेफ्टी के लिए उसमें एक एक आलपिन थोड़ा थोड़ा दूर में डाल देंगे, क्योंकि फिर भी कल तुरंत सूखने वाला नहीं है, एक दिन मच्छर सूख जाएगा, एक दिन भी नहीं लगेगा, फिलहाल कम से कम तो लगेगा 1 2 घंटे। तब तक के सूखने के लिए उसमें बीच बीच में आलपिन। ये देखिए, हमारा थर्माकोल बनकर तैयार हो गया। धन्यवाद दोस्तों।